हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाए हैं छोले। हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे छोले, जिसके लिए मैंने ये सफेद वाले बड़े चने या छोले को धो के रात भर 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। और इसको प्रेशर कुकर के टाइम इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून चाय पत्ती, दालचीनी का एक टुकड़ा, तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची डाल के इसको प्रेशर कुक कर लिया है। और अब अपने इसके अंदर से ये जो खड़े मसाले डाले थे उसका काम हो गया है पूरा, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये सेमी क्रश की हुई 3 बड़ी प्याज है, ये 3 बड़े टमाटर सेमी क्रश की हुई हरी मिर्च है, ये 1/2 टीस्पून जीरा है, ये 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हींग, 1/3 टीस्पून हींग है, और 1/2 टीस्पून हल्दी है, और ये है 2-3 टीस्पून, ये एवरेस्ट का छोले मसाला है। और ये नमक जाएगा स्वादानुसार, और कसूरी मेथी लास्ट में डालेंगे थोड़ी सी, 1 चम्मच। और ये बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में, छोले के तड़के के लिए तेल हो गया गरम, पहले डालेंगे जीरा। जीरा छिलते ही इसके अंदर डालेंगे ये क्रश की हुई प्याज, और इसको फिर ब्राउन होने तक भूनते हैं अच्छे से, फास्ट आंच पे, आंच को कर देते हैं फास्ट। और जब तक ये अच्छे से भून नहीं जाती, तेल नहीं छोड़ने लगती, तब तक इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ये प्याज को भूनते हुए 3-4 मिनट हुए हैं, और अभी इसको और भी अच्छे से भूनते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें कच्चापन बाकी है। अब अपनी ये प्याज देखिए कढ़ाई छोड़ने लगी है, अच्छे से भून के रेडी हो गई है, और इसको भूनने में लगभग 6-7 मिनट लगे हैं। तो ये अपनी प्याज भून चुकी है। अब पहले डालेंगे हल्दी और हींग, इसके बाद डालते हैं मिर्ची और धनिया जीरा पाउडर, और उसके तुरंत बाद डाल देते हैं ये टोमेटो की प्यूरी। और अभी इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के होने देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाले और टोमेटो प्यूरी में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि जले नहीं और अच्छे से भूने। तो अभी अपने इसको मीडियम आंच पे कवर करके बीच बीच में चलाते हुए भूनते रहेंगे। ये मीडियम आंच पे टोमेटो की प्योरी और मसाले को भूनते हुए अपने को लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो अब ये मसाला और प्योरी बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब अपने इसके अंदर ये प्रेशर कुक किए हुए छोले डाल देते हैं, और अभी तक नमक कहीं नहीं डाला था, तो अब इसमें 1 टीस्पून काला नमक या सज्जड़, और बाकी सादा नमक स्वादानुसार डाल देंगे, और इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और इसके अंदर आपको जितना गाढ़ा पतला रखना है उस हिसाब से पानी डालेंगे। अभी मैं भी थोड़ा पानी डालती हूँ इसके अंदर, तो ये गया थोड़ा सा पानी, और इसके अंदर अब डाल देते हैं ये छोले मसाला, और इसको अब अच्छे से पहले तो कर देते हैं मिक्स, और इसको ढक के अब एकदम स्लो आंच पे 7-8 मिनट होने देते हैं। तो फिलहाल इसको ढक देते हैं। छोले को उबलते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। अब ये मैंने हल्का सा इसको रोस्ट कर लिया है, और क्रश करके ये डाल दी मेथी, कसूरी मेथी, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और 2-3 मिनट और होने देते हैं ढक के। अब अपने ये देखिए 8-10 मिनट स्लो आंच पे सिमर होते हुए इसको हो गया है, गैस को कर देते हैं बंद। और ये बढ़िया से छोले बन के रेडी हो गए हैं, और इसके अंदर जो काला नमक डाला है तो डाइजेशन के लिए भी बढ़िया रहता है।
और इससे टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो अपने छोले बनके रेडी हैं, और ये गया बढ़िया सा फ्रेश धनिया, और ये देखिए बढ़िया से अपने छोले बनके रेडी हैं। इसको आप रोटी पूरी पराठा चावल नान किसी के भी साथ सर्व करें। बढ़िया से छोले बनके रेडी हैं, रेडी टू सर्व। ये अपने बढ़िया से छोले बनके रेडी हो गए हैं। इसको आप रोटी पूरी पराठा या चावल किसी के भी साथ एंजॉय करें। मैं इसके साथ बनाऊंगी छोले और साथ में राइस। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।